वीविंग जो है वो बेसिकली ये प्रोसेस शुरू होता है वार्पिंग से, लेकिन ये वाइंडिंग को हमने कहा था कि ये प्योर प्रोसेस वीविंग का नहीं है, लेकिन वीविंग में जो कोन्स बच जाती हैं उन कोन को दोबारा जो है वो आप वाइंड कर लेते हैं, छोटी कोन्स होती हैं और उनको बड़े पैकेज में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से आप दोबारा जो है वो उनको रीयूज कर सकते हैं। तो वीविंग में अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था बेसिकली दो टाइप का यार्न होता है, एक तो हमने कहा था वो वाप का यार्न है और एक वेफ्ट का यार्न है। जो वेफ्ट का यार्न है उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं होता, मतलब आप सिर्फ अगर तो शटल लूम यूज कर रहे हैं तो हम पर्न वाइंडिंग कर लेते हैं, अदरवाइज जो स्पिनिंग से हमें कोन आती है उसको एज इट इज ही हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाप का यार्न है उसके ऊपर हम बहुत सारे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहला जो उसके ऊपर प्रोसेस होता है वो होता है वाइंडिंग का। वाइंडिंग तो स्पिनिंग का प्रोसेस है, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ लें कि इनिशियल प्रोसेस उसका वार्पिंग होता है, फिर साइजिंग होती है, फिर उसकी ड्राइंग इन होती है और फिर उसकी लूमिंग होती है। तो ये उसके ऊपर प्रोसेस होता है। वाइंडिंग में अगर हम देखें तो मैंने बता दिया कि जो छोटी बेबी कोन्स बचती हैं इनको आप दोबारा इकट्ठा करके वाइंडिंग मशीन के ऊपर एक दोबारा सूटेबल पैकेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम वाइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, वाइंडिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अगर हम उन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें एक जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि छोटी कोन्स को, ये वाले जो छोटी कोन्स हैं इनको बड़े पैकेज में कन्वर्ट करना, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरे कुछ ऑब्जेक्टिव और भी हैं, जैसे यार्न की क्वालिटी को बेहतर करना, जिस तरह उसके अंदर हैरीनेस है, नेप्स हैं, स्लैब्स हैं, कोई फॉरन मैटर है, ये रिमूव कर देती है। उसके बाद यार्न को क्लीन कर देते हैं, सूटेबल पैकेज अटेन होता है, यार्न की स्टोरेज में हेल्प आउट हो जाती है, और वैक्सिंग भी हम कर लेते हैं, और इस तरीके से ओवरऑल जो है यार्न की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करना, ये ऑब्जेक्टिव है वाइंडिंग की। ये वाइंडिंग मशीन है बेसिकली। यहाँ पे हम छोटी छोटी कोन्स जो बची होती हैं वो लगा देते हैं और इनको यहाँ से पास करके ये सप्लाई से लगा होता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोन को पिक करता है, और जैसे ही कोन ख़त्म होती है दूसरी कोन जो है वो ऑटोमेटिकली पिक करता है और उनको सप्लाइज करके ये दोबारा मशीन को चला देता है, और इस तरीके से एक बड़ा पैकेज जो है वो हमें अटेन होता है। वाइंडिंग के अगर हम टाइप देखें तो स्पिंडल वाइंडिंग है और उसके बाद फ्रिक्शन वाइंडिंग है। ये आपके लिए ज़रा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लेना, इस प्रोसेस को समझ लेना, इसमें से बहुत ज़्यादा मैंने पूछना नहीं है आपको। तो ये सिर्फ ओवरऑल आपको पता हो कि ये प्रोसेस होता है। तो मेन जो प्रोसेस वीविंग का है हम उस पे आते हैं, वो है वार्पिंग का प्रोसेस। तो वार्पिंग का जो है वो हमने डिस्कस किया था कि वार्पिंग में बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो हमें जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं जितने भी हमें फैब्रिक की विड्थ के लिए चाहिए, और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली होता है कि हमें लेंथ पूरी करनी होती है जितनी हमें फैब्रिक की लेंथ चाहिए। मसलन फर्ज के हमने हमें 10,000 मीटर चाहिए, तो यहाँ पे हमने 10,000 मीटर से कुछ ज़्यादा लेंथ रख के वो वेस्टेज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेस्टेज इसमें कितनी है, तो उस हिसाब से हम जो है लेंथ पूरी करनी है। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं, तो कौन कौन से नंबर ऑफ एंड्स पूरे करना और रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो पूरी करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंड्स और वाइंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैकेज एज रिक्वायर्ड बाय सबसिक्वेंट प्रोसेस और उसमें डिजाइन के मुताबिक ना, तो ये दो ऑब्जेक्टिव आपने जेब में रख लेने हैं जो मैंने बताए हैं आपको। अच्छा, इसका जो फ्लो प्रोसेस है वार्पिंग का वो इस तरह होता है कि पीछे हम क्रील होती है, क्रील के ऊपर हम पैकेज लगा देते हैं। अच्छा, क्रील के ऊपर जब पैकेज लगा देते हैं तो उन पैकेज से हर पैकेज से एक यार्न निकलता है, और वो जितनी भी पैकेज होंगे उतने नंबर ऑफ एंड्स होंगे बेसिकली। तो वो उसके ऊपर ना कोई कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे उसका जो है वो
क्या नाम है गाइड्स लगे होते हैं उनके, आप कह लें कि उसके फ्रिक्शन वगैरह जो है वो कंट्रोल करने के लिए या उसकी टेंशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे डिवाइसेस लगी होती हैं, तो वो वहाँ से कंट्रोल सिस्टम से पास होके आगे ना एंड पे रीड होती है जो उसका हेड स्टॉक होता है। रीड जस्ट लाइक कॉम होती है, तो रीड से पास करते हैं, उसके बाद आगे मेजरिंग डिवाइस होती है, ये बेसिकली लेंथ को मेजर करती है और फिर उसको वाइंडिंग बीम के ऊपर जो है वाइंड कर देते हैं। तो क्लास में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एंड्स पूरे करने होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एंड्स बहुत ज़्यादा है और हमारी क्रिएट कैपेसिटी कम है तो फिर हम उसको टोटल नंबर ऑफ एंड्स से अपनी क्रिएट कैपेसिटी के साथ डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह ज़्यादा बीम बना देते हैं। मसलन हो सकता है कि एक फैब्रिक के नंबर ऑफ एंड्स पूरे करने के लिए हमें 5, 7, 10 बीम भी बनाना पड़ जाए, तो उन उन बीम को दोबारा फिर आगे साइजिंग पे जाके फिर उन बीम को इकट्ठा कर लेते हैं और उन बीम से फिर एक बीम बना लेते हैं। वार्पिंग की टाइप को हमने डिस्कस किया था कि 4 बेसिक टाइप हैं, ये आपने याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हाई स्पीड वार्पिंग है जिसको हमने डायरेक्ट वार्पिंग भी कहा था, दूसरी जो है वो सेक्शनल वार्पिंग है जिसको हमने इनडायरेक्ट वार्पिंग कहा था, और तीसरी जो कैटेगरी है उसको हम बाल वार्पिंग कहते हैं, और चौथी जो कैटेगरी है वो ड्रा वार्पिंग है। तो जो बाल वार्पिंग है ये बेसिकली हम डेनिम फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, और जो ड्रा वार्पिंग है ये सिंथेटिक यार्न जो है वो उनके लिए आप यूज़ करते हैं। हाई स्पीड वार्पिंग जो है वो बेसिकली हाई स्पीड इसको इसलिए कहते हैं, इसको डायरेक्ट वार्पिंग भी कहते हैं, तो ये इसलिए कि डायरेक्ट कोन से यार्न लेते हैं और हम उससे बीम बना लेते हैं, यानी बीच में कोई प्रोसेस नहीं, न पीछे कोने लगाई, उन कोन को किसी भी गाइड से आपने पास किया और कॉम्बिंग पे ले आया, रीड पे ले आया, और रीड से पास करके आगे जो मीटिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे पास करके तो आपने बीम के ऊपर जस्ट वाइंड किया, तो ये बड़ी स्पीड से प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये हम यूज़ कब करते हैं कि अगर हमें सिंगल कलर का बीम बनाना है तो फिर वहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो उस केस में भी आप इसको यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ एंड जो है अगर हमारे पास क्रिएट कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हाई स्पीड वार्पिंग जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, आपको ये ज़रा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है वो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हमें हमारे पास नंबर ऑफ एंड ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, जैसे आपने पढ़ लेना। ये वाली स्लाइड आप छोड़ देना, इसमें सिर्फ क्रील के पार्ट्स हैं, वो आपको सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए था कि ये पार्ट्स हैं और इनके ऊपर सेंसर वगैरह जो हैं वो लगाए जाते हैं ताकि वो अगर कोई यार्न ब्रेक होता है तो उस रेलिवेंट यार्न की इंडिकेशन दे दे कि कौन सी कोन का यार्न ब्रेक हुआ है, और ताकि वहाँ पे उसे कोई अमेंड किया जा सके। उसके बाद मेन पार्ट्स ये भी आप छोड़ दें, बस समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है इसको। दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेक्शनल वार्पिंग की। तो सेक्शन वार्पिंग के बारे में हमने बताया था कि ये इनडायरेक्ट वार्पिंग है। इनडायरेक्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि बेसिकली इनिशियली हम जो पीछे क्रील लगाते हैं तो क्रील से हम वार्पिंग करते हैं इसके ऊपर, क्या नाम है, एक हमारा जो ड्रम होता है उसके ऊपर वाइंड करते हैं, और उस ड्रम से फिर आगे बीम के ऊपर जो है वो हम वाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रोसेस हो जाते हैं, पहले जो टेपर ड्रम है उसके ऊपर वाइंड करें, उस टेपर ड्रम से आगे वाइंड करें, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट वार्पिंग कहते हैं। ये हम यूज़ कब करते हैं कि अगर हमारी फैब्रिक की लेंथ छोटी है तो फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा कलर यार्न है, मतलब जैसे स्ट्राइपर फैब्रिक बनता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं,
पट्टियां, कलर्स की पट्टियां जो हैं वो यूज होती हैं। ये यान हमारा पहले ही कलर्ड यान है, वो ग्रे यान नहीं है, तो इन दैट केस हम जो है वो सेक्शन वार्पिंग को यूज करेंगे। ये इसका ना एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर हमारे पास एक्रिलिक कैपेसिटी थोड़ी है, नंबर ऑफ एंड थोड़े हैं या नंबर ऑफ पैकेज थोड़े हैं, और हमने जो हमारा जो फैब्रिक है उसके ऊपर नंबर ऑफ एंड ज़्यादा लेने हैं, तो इस केस में भी हम इसको सेक्शन वार्पिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसका बेसिकली ये होता है कि हम ना मतलब सेक्शन बना लेते हैं, मसलन ये यहाँ तक एक सेक्शन बना लिया, फिर आगे बना लिया, फिर आगे बना लिया, और इस तरह इन सब सेक्शन को एट द सेम टाइम हम जो हमारा व्यूवर बीम है उसके ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन एक ये भी होती है कि अगर हमने साइजिंग का प्रोसेस नहीं करना, तो इन डैट केस भी हम सेक्शन वार्पिंग जो है वो यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बीम है उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ एंड्स पूरे हो जाते हैं, जबकि जो डायरेक्ट वार्पिंग थी उसके लिए नंबर ऑफ एंड्स पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिलिक पैसी बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिलिक पैसी भी हो तो हम उसके यहाँ पे बीम के ऊपर, क्योंकि उतने एंड्स पूरे कर लेते हैं, फर्क क्या, हमारे क्रिलिक पैसी 100 और हमें 10 1000 जो है नंबर ऑफ एंड चाहिए, तो पहले 100 जो यान है उनको हम वाइंड कर लेंगे जितनी लेंथ चाहिए, फिर अगले 100 को, फिर अगले 100 को, और इस तरह 10 हमारे सेक्शन बन जाएंगे। इन 10 सेक्शन को दोबारा इकट्ठा एक ही बीम पे ले आएंगे, तो इस तरह हमारा जो है वो 1000 एंड जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेना आपने, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है। फर्क मैंने डिस्कस कर दिए हुए हैं, तो ये सिर्फ आप एक दफा इनको रिवाइज कर लेना, जो मैंने डिस्कस किया बस वही आपने देखना है, एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है बाल वार्पिंग। बाल वार्पिंग को हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली पहले ये क्रील उसी तरह लगी होगी जैसे हाई स्पीड वार्पिंग में, पीछे क्रील होगी, नंबर एंड्स भी उसी तरह से आप पूरे करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पहले मकसद होता है हमारा यान को डाई करना, तो क्योंकि यान को डाई करना होता है लिहाजा यहाँ पे हम उन यान को एक रॉ की शक्ल में ले आते हैं। मसलन उसमें ये कहते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ यान होते हैं उन सब को एक रॉब की फॉर्म में, बजाय इसके कि आप सेपरेट सेपरेट बीम की तरह सेपरेट करके बाइंड करें, आप उन सबको एक रॉब की फॉर्म में लेते हैं और उनको उस रॉब पूरे को एक वुडन लॉग होता है उसके ऊपर वाइंड कर देते हैं। तो ये जो वाइंडिंग होती है ये बेसिकली एक क्रॉसिंग की फॉर्म में होती है, ताकि इसी इसी रॉब को फर्दर जब हम प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं यान डाइंग के सेक्शन में, तो इनको दोबारा उतार लेते हैं, और उतार के फिर आगे जो है वो हम जो है वो उनको डाई करते हैं, डाइंग करने के बाद ड्राई करते हैं, और ड्राइंग करने के बाद दोबारा फिर है बीम बनाते हैं। तो यहाँ पे बीमिंग का प्रोसेस बाद में जाके शुरू होता है यान को डाई करने के बाद। तो ये बेसिकली बाल वार्पिंग की एक एग्जांपल थी, पीछे क्री लगी हुई है और इन सबको रॉग की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, और उस रॉग को आप वुडन लॉग के ऊपर जो है वो वाइंड कर रहे हैं। तो ये हमने वीडियो देखी थी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो ड्रॉप वार्पिंग है। ड्रॉप में मैंने बताया था कि जो स्पिनर से फिलामेंट निकलता है वो फिलामेंट ना हो सकता है कि उसकी लेंथ थिकनेस जो है वो ज्यादा हो, अगर फिलामेंट की थिकनेस ज्यादा है तो हम उसकी थिकनेस कम करते हैं, मतलब कोसर है तो उसको फाइन करना है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि उसको ना थोड़ा सा दोबारा टेम्परेचर देते हैं और साथ ही उसके ऊपर ड्राफ्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर दे के ड्राफ्ट अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से वो जो है वो ये जो ड्राफ्ट होता है इससे उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है और उसकी थिकनेस कम हो जाती है, तो लेंथ बढ़ा के थिकनेस कम करके, तो इस तरह जो हम करते हैं ये बेसिकली